how आर यू ऑल और सुनाओ क्या चल रहा है आजकल अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है तो अपने रिश्तेदारों से पूछ लो उन्हें लाजमी पता होगा जी। हम कराची वालों की सर्दियों से हर साल कुछ ना कुछ शिकायतें रहती हैं, जैसे कि भीगा भीगा दे दे है। हाँ मालूम है दिसंबर कब का गुजर चुका है लेकिन मेरी वीडियो मेरी मर्जी मैं तो लगाऊंगी सुनो तुम लोग बल्कि दोबारा भीगा भीगा दिसंबर है सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना भाई सुनने में ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये कराची है और कराची है और बारिश का रिश्ता ऐसा है जैसे कि दूसरी शादी ये बात शहर का अपनी पहली बीवी के साथ होता है और अगर अल्लाह अल्लाह करके यहाँ पे बारिश हो भी जाए तो यहाँ गटर और नालों से वो हजम भी नहीं होता बस हजमी हो जाती है बेचारों को ये रात ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा अब कहाँ है चंचल हवा नहीं है भाई कोई चंचल हवा दूसरे शहरों में बारिश हो रही है सर्दियों से लोगों की आइसक्रीम बन रही है फॉग ऐसे है जैसे पूरा शहर टुट्टे मार रहा हो और यहाँ यहाँ तो धक्का लगाता लगाते किसी तरह अगर ठंडी हवाएं पहुंचती भी है तो बस दो दिन में मुंह चिड़ा के निकल लेती है अब तो ये हाल है कि फैन ऑन रहने दें या ऑफ कर दें इसी कशमा में रहा जा रहा है आजकल वैसे तो फैन ऑन करके कंबल में घुसने से मसला हल हो सकता है लेकिन कंबल में घुसने से नेट नहीं सही चलता फिर मुंह बाहर निकालना पड़ता है ही शशकें बड़े रोले हैं भाई यहाँ तो फॉग भी इतनी पड़ती है कि अगर जोर लगा के ताड़ो तो गली के नुक्कड़ वाले घर से तुम्हें एक रोता पीटता बच्चा घर से निकलता नजर आएगा जिसके आंसू के साथ साथ नाक भी बह रही होगी और साथ ही स्कूल जाने पे मौत भी पड़ रही होगी पर उसकी माँ उसको घसीट के आठ दस गालियों के साथ स्कूल छोड़ ही आएगी चल ठंड ठीक तरीके से आती नहीं है और नजला जुकाम के छटके पहले शुरू हो जाते हैं कुत्ता खांसी तो ऐसी होती है की अंतरिया मुंह में आ जाए और ठीक के तो क्या ही कह धमाकों पे धमाके होते हैं कुछ के ऊपर ही ऊपर और कुछ के तो ऊपर के साथ नीचे भी छोड़ गया कितने गंदी गंदी बातें करते जी -जी -जी -जी। ऐसे में मूंगफली वाला कोई इतना प्यारा लग रहा होता है कि दिल करता है उसे अपनी बहन का रिश्ता ही दे दूं लेकिन क्या करें अफसोस बहन ही नहीं है अब उसकी किस्मत अल्लाह की मर्जी के आगे क्या कर सकते हैं हम लोग कुछ भी और सलाम है उन अजीम लौड़ियों को जो इतनी सर्दी में भी बर्फीले पानी से बर्तन धोती हैं यार बहनों मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ अब पानी ऐसा की रुचि खेमार उठती है लेकिन फिर भी कोई बेरहमी एक्स्ट्रा कप या प्लेट रख ही जाते अबे सर्दियों में खाते क्यों हो तुम लोग गाजर का जूस पीने से जितनी ताकत मिलती है उससे दुगनी ताकत तो जूसर को साफ करने में लग जाती है फायदा बीड़ू फायदा इसे नोट किया जाए पहली बार महबूब को आई लव यू बोलना और नहाते वक्त पानी का पहला मग्गा ऊपर डालना ही असल जरूरत का काम है वाकई और अगर भाई बहनों में बड़ा वाला कीड़ा हो जैसे मेरे वाले में है तो ये नमूने हमारे नहा के निकलते ही पूरे घर का फैन ऑन करके भाग जाते हैं और फिर ठंड की ऐसी लहर दौड़ती है की मुँह खोलो तो जुबान चीख पड़ती है की दरवाजा किसने खोला बे वाइब्रेशन मूड ऑन हो जाता है सारे दांत आपस में बांडिया आई मीन डांडिया खेलने लगते हैं। ठंड से लोगों की नाक तो बंद हो सकती है पर जुबान नहीं ये सबके लिए नहीं है बस अभी अभी मेरी पुप हो गई है समझ रहे हो चार चार जैसिया पहनकर कंबल में पड़े रहने वाले भी कह रहे होते हैं कि कोश हम भी स्नोफॉल देखने मरी जाते जाकर देखो स्नोफॉल एंजॉय करने वालों का क्या हाल हुआ है एक अंडा पांच सौ का बिक रहा था वहाँ इसे बेहतर तो खैर वो सब छोड़ो यार मेरी एक बात समझ नहीं आती कि सारा साल जिन रिश्तेदारों को लोग गालियाँ देते थकते नहीं है सर्दियों में वो लोग इतने अच्छे कैसे हो जाते हैं कि लंदन से कोट और स्वेटर भेज रहे होते हैं लंडे के चक्कर लगाने वालों चूना तो ढंका लगाया करो ओके okay. सर्दियों में गैस तो ऐसे गायब हो गई है जैसे जरूरत पड़ने पर अपने रिश्तेदार गायब हो जाते हैं तुम लोग बताओ तुम लोगों की तरफ गैस आ रही है या सर मेरी मजे आए हुए सर्दियाँ आए हुए चार दिन गुजरती नहीं है कि फिर कहते हैं गर्मियाँ ही बेहतर थी हमें ना सर्दियों में गर्मिया और गर्मियों में सर्दियाँ चाहिए क्या करें बड़ा वाला कीड़ा जो होता है चलो अब इसी के साथ तो मुझे इजाज़त मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़